नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ये शायद पहली बार देखने में आ रहा है कि लोगों को सत्ताधारी पार्टी का इतना ज़्यादा खौफ है कि अभी 2 साल बाकी बचे हुए हैं, लेकिन अभी से बीजेपी के विरोधियों ने कमर कस ली है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा कर विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि वो भी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में खेला खेलेंगे। और ये बात उन्होंने आज अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि 2024 में हम एक खेला खेलेंगे जो बंगाल से शुरू होगा, और हेमंत, अखिलेश, नीतीश और ममता और उनके दूसरे दोस्त जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। यानी कि ये पूरा गैंग जो है खेला खेलेगा। इन्होंने नीतीश का जो महागठबंधन है उसको ममता ने बहुत स्मार्टनेस से अपने पाले में करने की कोशिश की है। हालांकि नीतीश भी ममता से मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से आज ममता ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, उससे लग रहा है कि वो बहुत कुछ अपने जहन में रखे हुए हैं। जैसे कि उन्हें क्या क्या उनकी प्लानिंग है, ये सारी चीज़ों पर उन्होंने बात की। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका खेल सफल हो गया तो फिर बीजेपी सोचे कि उसे किस तरीके से सरकार बनानी है, और फिर बीजेपी सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, सब तो ममता खुद ही कर लेंगी। अपने कार्यकर्ताओं में जब मैं बैठी हुई थी ममता जी, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। सभी विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे, और एक तरफ हम सब होंगे, दूसरी तरफ बीजेपी, और बीजेपी का 300 सीटों का अहंकार उसकी नीति होगी, और इस तरीके से हम 2024 में खेलेंगे। सीधे सीधे उन्होंने पार्टी में कहा कि आमी 2024 में खेला खेलो बे। अच्छा, ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी के अपने एस्टिमेट हैं कि वो किस तरीके से सामने वाली पार्टी को तोल रही है। उन्होंने बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी को ये लगता है कि हमें सीबीआई या ईडी से वो डरा सकते हैं। आपको याद ही होगा, पात्रा जी इस समय जेल में है, उनकी महिला सहयोगी 1, 2, 3 जितनी भी हैं, जितनी भी पकड़ में आई हैं, वो सब जेल में हैं। तो इसलिए उन्होंने इसका जिक्र किया कि बीजेपी सीबीआई और ईडी से डरा सकती है, लेकिन जितना अधिक लोग इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे, उतना ही अगले साल के पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के करीब पहुंचेंगे। ये वो बीजेपी को एक तरह से डरा रही है। अच्छा, फिर उन्होंने नीतीश कुमार को भी अपने साथ लेने की बात कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी 3 दिन का दौरा दिल्ली में करके गए, और इस दौरान उन्होंने नेता राहुल गांधी, सीएम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ओपी चौटाला, सीताराम येचुरी जैसे बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। और नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे पे कई बार ये बात कही कि आप सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, तभी कुछ हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस समय राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा अपना रुतबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि वो पूरे भारत में एक बार अगर अपनी पार्टी की शक्ल दिखा देंगे तो पार्टी को फिर से जो है एक रिन्यूअल मिल जाएगा, लोग फिर से उसे पहचानेंगे, ये उनकी सोच हो सकती है। और मंगलवार को बीजेपी ने भी एक बैठक करी है, और उन्होंने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अपने जो उनके बड़े फेसेस हैं स्टेट में, राज्यों में, उन सभी को उनकी जिम्मेदारियां दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 144 लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए रणनीति तैयार की है और किस तरीके से कहां कहां बीजेपी हारती है इस सब की समीक्षा हुई है। ये बैठक इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये बैठक हो रही थी उस समय नीतीश कुमार अपने 3 दिन के दौरे पे थे, अलग अलग नेताओं से वो मिल रहे थे, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे थे और वहीं उससे अगले ही दिन बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया हुआ था, उसको शुरू कर दिया था और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो ममता ने बात कही है कि हम भी मिल करके 2024 में खेला करेंगे, ये उनका एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों अब ये सब खबरें आपको रोज इसी तरीके की मिला करेंगी सुनने को, क्योंकि हालांकि अभी 2 साल के करीब हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन अभी से पार्टियां सोच रही हैं कि वो अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो वो बीजेपी को हरा पाएंगे। ये बात सही है, जब हम एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो सामने वाले को हरा सकते हैं, लेकिन जहां इकट्ठा होने वाले लोगों में से अधिकांश लोग जो हैं वो अपने आप को पीएम की प्रोफाइल में फिट करके देख रहे हों, वहाँ बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये कितना भी इकट्ठा हो जाए लेकिन अगर इन्हें पीएम की कुर्सी का मोह है तो ये अपना टारगेट नहीं पा पाएंगे। दोस्तों फिलहाल इतना ही, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और एक बात जो हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।